हेलो फ्रेंड्स, सो आज 6 मार्च है एंड ग्लोबल मार्केट्स का आज देखते हुए लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन होगा। बैंक निफ्टी अराउंड 4-5% गैप डाउन बता रहा है। ये दो डिमांड जोन्स यहाँ पे जो रेड दिख रहे हैं आपको, वो मैंने मार्क किया है। जो नीचे वाला है वो 20 सितंबर, जब निर्मला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बहुत बड़ी रैली हुई थी, 10% बैंक निफ्टी ऊपर मूव हुआ था, उस दिन का ये लो है 26700 जोन्स के अराउंड, और उसके ऊपर एक 27500 जोन के अराउंड एक अगेन एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन है, जहां से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली मार्केट ने फिर हमारी और वहां से स्टार्ट की। तो ये दो डिमांड जोन्स है जो कि अभी मार्केट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो इन अ वे हमें देखना है कि मार्केट का अभी जो ओपनिंग है उसके अराउंड जो बीच वाला डिमांड जोन है वहाँ मार्केट ओपन हो रहा है, राइट। सो वी हैव टू सी कि अभी वहाँ पे कैसा उधर परफॉर्म हो रहा है। तो 27500 के अराउंड हमें यहाँ पे ओपनिंग दिख रही है बैंक निफ्टी में। निफ्टी जो है अगेन अगर हम नीचे देखेंगे तो निफ्टी 10,940 के अराउंड, मतलब 10,950 के अराउंड डिमांड जोन का जो लो है वहाँ पे ओपन हो रहा है, वहाँ पे एक रेंज है और उसके नीचे डायरेक्टली देन हम देखेंगे सीतारामन जी की जो कैंडल बनी थी 20 सितंबर को, दैट इज़ 10,700 अराउंड, 680-700 के अराउंड, दैट वाज द लो जो मार्केट ने वहाँ से काफ़ी फास्ट रिवर्सल दिया था। तो दिस आर द टू जोन्स इन निफ्टी जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों जोन आपको एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट आज के ट्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए। अगर मार्केट पहला डिमांड जोन नहीं ब्रेक कर पा रहा है, वहाँ पे कंजेशन आ रहा है और वहाँ से एक हायर लो पैटर्न मिल रहा है, तो वो वापस एक ऊपर की डायरेक्शन में मूव होगा पोस्ट गैप डाउन। या अगर एक डिमांड जोन ब्रेक कर रहा है 950 के नीचे सस्टेन करके और नीचे आ रहा है, तो इट कैन और मूव डाउन। सो वी हैव टू सी अराउंड की ओपनिंग जो है मार्केट की कहाँ पे हो रही है। सो नेक्स्ट अभी लेट अस चेंज द पिवोट्स जो है ऑलरेडी जो आपका S1 है एंड वो डेली आपका वहाँ पे करना है 15 मिनट्स में, अर्ली टाइम 15 मिनट्स में आप देख रहे हो कि अभी तो काफ़ी नीचे गैप डाउन ओपन होगा। तो आपके S1 के नीचे जो जनरली S1 के नीचे ज़्यादा हायर प्रोबेबिलिटी होती है ऑफ अ ट्रेंड टू स्टार्ट, उसके काफ़ी नीचे ओपन हो रहा है एंड 950 के अराउंड यहाँ पे अब मार्केट ओपन हो चुका है, राइट। 870 उसने सीधा लो मारा है। अब हमें देखना है फर्स्ट ओपनिंग कैंडल का, वेट कीजिए फर्स्ट 10-15 मिनट्स, यू नीड टू सी कि अगर पुल बैक आता है कि नहीं। हमारा अगर हम बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी भी अभी नीचे एक तरीके से ओपन हो चुका है डिमांड जोन को, बट हमें वेट करना है। अगर वो नीचे अगर सस्टेन किया तो वो 26,700 या उसके नीचे भी वो जा सकता है काफ़ी फास्ट। अब हमें देखना है यहाँ पे वो कैसा मूव होता है। लेट अस वेट फॉर 5-10 मिनट्स, वहाँ पे आपको तब एक अच्छा समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बाकी के हम स्टॉक्स जो है, हमारे पास दो स्टॉक्स है, एशियन पेंट्स एंड सन फार्मा। एशियन पेंट्स गैप डाउन ओपन हुआ है, तीनों डिसीजन पॉइंट्स जो हमने चैनल में डाला था कि मार्केट इतने गैप डाउन में उसके नीचे ओपन हो सकता है, बट अभी जस्ट वो काफ़ी फास्ट रिट्रेस हो गया है 1840-55 के अराउंड, 15 पॉइंट्स का काफ़ी फास्ट एक रिट्रेसमेंट दिया। तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ जो पहले डिमांड जोन था अब सप्लाई जोन बन चुका है। तो यहाँ से PDL जोन तक का एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है इसके लिए। सन फार्मा अगेन गैप डाउन होने के बाद एक ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो यू कुड सी कि स्टॉक्स अभी जो है लास्ट फ्राइडे को जो गैप डाउन था वहाँ पे गैप डाउन होने के बाद नीचे प्रेशर आ रहा था, आज स्टॉक्स एंड इंडेक्स में ऊपर प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे एक हो रहा है कि माइट भी हमें देखना है कि मार्केट अगर एक तरीके से लोअर हाई स्ट्रक्चर नहीं बनाता इसके बाद, तो कंजेशन में जाके वो एक वापस एक ऊपर के डायरेक्शन में मूव देना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जब हमने देखा था यहाँ पे एक तरीके से वही है, ओपनिंग कैंडल जो है ओपनिंग कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है बैंक निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम है, ऊपर बड़े जो डिमांड जोन है अब वहाँ पे एक तरीके से मार्केट स्टिल बियरिश है। जब तक ये ट्रेंड लाइन आपकी काउंटर अप ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, आप वापस सेल अपॉर्चुनिटीज में मत देखिए। निफ्टी क्या कर रहा है, दोनों इंडाइसेस ने इनिशियल जो सेलर्स थे उनको ट्रैप किया है बहुत अच्छी तरीके से। नाउ कमिंग टू एशियन पेंट्स, एशियन पेंट जो हमने बोला है कि वो ऊपर चला गया है और वहाँ पे एक तरीके से एक सेल अपॉर्चुनिटी दी है, गैप फिल होने के बाद उसमें वहाँ पे रिजेक्शन आके वॉल्यूम्स डिप हो रहे थे,
तो वहाँ पे अगेन आप क्रिटिकल जोन के पास सेल करके आप वहाँ पे ले सकते हैं। सन फार्मा मेकिंग अ लोअर हाई स्ट्रक्चर, अब वहाँ पे आपको जो है कि हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, हायर लो स्ट्रक्चर जैसे बना रहा है उसके अब ब्रेक होने के बाद ही आप वहाँ सेलिंग देख सकते हैं वापस। अभी इन चीज़ों में बाइंग आपको नहीं देखनी है। ओके, तो निफ्टी ने आपको एक वापस सेल अपॉर्चुनिटी दी है। हम देख रहे हैं कि 10950 के अराउंड जोन्स पे ऊपर वो डबल टॉप बनाने के बाद वहाँ पे आपके काउंटर अप ट्रेंड को ब्रेक कर दिया और वहाँ से वो लोअर हाई पैटर्न बना रहा है। तो एक सेल अपॉर्चुनिटी जैसी ब्रेक हुई 10950 पे आपको एक मिली है और वहाँ से अराउंड 50 पॉइंट्स का वो उसने मूव वहाँ पे दिया है। तो आपको पता है मार्केट भले बियरिश है बट सेलिंग करने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, कहीं भी आपको सेलिंग नहीं करनी है। बैंक निफ्टी भी एक तरीके से वहाँ पे एक ट्रैप मारा किया है उसने, एक नया हाई बना के उस ग्रीन कैंडल ने आपने देखा है काइंड ऑफ वो एग्जॉशन हम बोलते हैं उसे ट्रेंड में, और उसके बाद उसने ट्रेंड काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया अप जो काउंटर ट्रेंड लाइन है और उस रेंज से वो नीचे आके अब कंजेशन में जा रहा है। वॉल्यूम्स दोनों इंडाइसेस में डिप हो चुके हैं और अगर ये नहीं ब्रेक कर पा रहा है तो 27 अराउंड 400-500 के जोन तक वो वापस रिट्रेस कर देगा वापस बैंक निफ्टी। एशियन पेंट्स अगेन क्रिटिकल जोन मल्टीपल टाइम्स टच करने के बाद आप देखिए बाइंग वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, अब वो पूरा वापस S1 और PDL जोन के बीच में कंजेशन में जा रहा है। एक वहाँ पे स्काल्पिंग एक टारगेट आपको मिल रहा है 1869 से अराउंड 1860 10 पॉइंट्स का अराउंड इसने मूव आपको फिर भी एक दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम्स डिप हो गए तो इसमें इतना कन्विक्शन नहीं है। सन फार्मा काफ़ी बेटर ट्रेड था, अच्छे वॉल्यूम से उसने ब्रेक किया काउंटर ट्रेंड लाइन, वहाँ पे आप सेल कर सकते थे। S1 जोन भी ब्रेक हुआ है और उसके बाद वो काफ़ी एक लोअर हाई स्ट्रक्चर बना के काफ़ी बेटर एक तरीके से जो उसका डोमिनेंट ट्रेंड जो डाउन साइड है वो रिज्यूम कर रहा है। बट अगेन जब तक ये डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो। तो सन फार्मा ने काफ़ी बढ़िया एक तरीके से अराउंड 4 पॉइंट्स का मूव आपको दिया है इन द साइड ऑफ डोमिनेंट ट्रेंड। ओके, सो एशियन पेंट जैसे हमने बोला है कि कंजेशन, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट कब कंजेशन में जा रहा है। एशियन पेंट्स बार बार वही चीज़ है, PDL जोन और S1 के बीच में पूरा एकदम पिस रहा है। वॉल्यूम्स आप देखिए नीचे बिल्कुल नहीं है, ऐसे स्टॉक में आपको ट्रेंड नहीं मिलेगा एकदम से अनलेस एंड अनटिल वो कोई ये कंजेशन जो हमने पहला अगर आपने वीडियो में देखा वो जब तक ब्रेक नहीं करेगा उस रेंज को उस जोन को तब तक वो ऊपर के लेवल्स नहीं आएंगे उसमें, तो उसको 1870 ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन पेंट्स को। तब तक आप इसमें बाइंग साइड इसमें मत देखिए और 1870 से 1880 के अराउंड जोन्स वो उसके लिए बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है। वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग अगर मिलता है बाइंग तो आपको वहाँ पे बाइंग आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही है। और यहाँ पे एक तरीके से सन फार्मा हम देखें फाइनली ये अभी इतने बार करने के बाद अब यहाँ पे अच्छे कैंडल के साथ एक तरीके से उसने डिसीजन जोन और आपका डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और वहाँ पे अगर आप हो तो आपका जो है आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। और आप अभी जो मार्केट है वापस सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलेगी जब यहाँ पे आपको एक एग्जॉशन कैंडल मिलेगा। तो ये सेल ऑन राइज है अभी भी मार्केट, क्योंकि सन फार्मा अभी भी S1 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक तरीके से देखना है कि S1 या उसके ऊपर ये जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसमें बाइंग एकदम से मत देखिए। निफ्टी एज एक्सपेक्टेड ब्रेक करने के बाद काफ़ी 50 पॉइंट्स देने के बाद आप देखिए वहाँ पे बॉटम बना रहा है, 1-3 टाइम्स उसने नीचे बनाया और अभी वो हायर लो पैटर्न बना रहा है। डाउन ट्रेंड लाइन तो उसने ब्रेक कर दी है, हायर लो पैटर्न बना के वापस वो जो अभी डिमांड जो जोन था अभी सप्लाई जोन जो बन चुका है उसके अंदर आ चुका है 950 के अराउंड। एंड अब जो है वहाँ पे अब सेलिंग वॉल्यूम्स थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं, बाइंग वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं दोनों इंडाइसेस में। बैंक निफ्टी भी वही कर रहा है, बैंक निफ्टी भी वापस डे हाई के आसपास आ रहा है एंड काइंड ऑफ अ हायर लो पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये इतना बड़ा कंजेशन जोन देने के बाद निकला है, तो देखिए मार्केट को हमेशा फेस समझिए वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहीं भी सेल या बाय मत कीजिए, अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। कोई सही टाइम नहीं होता है ट्रेड लेने का, मार्केट आपको सही टाइम बताएगा। ओके, सो नाउ हमने देखा है जब कंजेशन जोन से एशियन पेंट्स निकला आप देखिए कितना फास्ट मूवमेंट आया ऊपर। तो वो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कब मूवमेंट उसमें फास्ट आता है किसी स्टॉक में कब नहीं है। बट अगेन हमने बोला था 1880 का जोन जो है वो उसके लिए वापस एक बहुत बड़ा बैरिकेड था कल। आज देखिए स्टॉक वहीं से दो बार वहाँ पे जाने के बाद एक सेलिंग वॉल्यूम्स देखिए रिवर्स हो रहा है। तो आपको समझ में आनी चाहिए जोन्स कहाँ पे क्लियर है। सन फार्मा जो बोला था
आप देखिए S1 के ऊपर जैसे वो नीचे से एक तरीके से कंजेशन से निकला 398 से 400 के जोन से, आप वहाँ से देखिए कितना फास्ट उसमें एक तरीके से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। तो वो चीज़ है, बाइंग वॉल्यूम्स भी नीचे से बढ़ रहा है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट का जो फेज़ है वो एक तरीके से उसमें डाउन ट्रेंड रिवर्सल के लिए उसको पहले स्टेबलाइज होना पड़ता है, एकदम से ट्रेंड रिवर्सल नहीं होता है। निफ्टी वापस एक तरीके से सस्टेन नहीं हो रहा है 10,950-70 के जोन्स तक, डेफिनेटली वो उसको ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, हमारे जो ओपनिंग रेंज बना था 980 के अराउंड उसको ब्रेक किया, बट वहाँ से फास्ट एक सेलर्स आ गए। बैंक निफ्टी सेम चीज़ कर रहा है, बैंक निफ्टी ने भी एक तरीके से फेक ब्रेकआउट्स कैंडल मिले, तो फेक ब्रेकआउट्स आइडेंटिफाई करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब आते हैं ये हम आगे कोई एडवांस ये कंसेप्ट होता है थोड़ा, बट ये आपको आइडेंटिफाई करने आ गया, आपको मार्केट के ट्रैप्स आइडेंटिफाई करने आ गए। और एक ट्रेडर को कुछ भी नहीं चाहिए मार्केट में, आपको बहुत अच्छे से उसके वो क्या करने की कोशिश कर रहा है आप वह पकड़ लोगे। सन फार्मा अगेन आप देखिए ब्रेक कर रहा है, ब्रेक डाउन कंजेशन पे एक रिट्रेसमेंट लिया है नीचे लो वॉल्यूम से, वापस वो अभी उस डे हाई की तरफ मुड़ रहा है। तो डे हाई अभी वो ब्रेक करेगा कि नहीं अब वो अभी आपको पता चलेगा। एशियन पेंट्स हायर लो स्ट्रक्चर बना के अभी क्रिटिकल जोन के टॉप एंड पे जा रहा है, जहाँ पे उसका रेजिस्टेंस जोन था, बट उसको नहीं सस्टेन कर पा रहा है, सेलर एक्टिवेट हो रहे वहाँ। तो आप जैसे देख सकते हैं दोनों एशियन पेंट्स और सन फार्मा में काफ़ी अच्छा एक तरीके से एक प्रॉफिट हुआ है। तो मार्केट में आपको अर्न करने के लिए आपको नॉलेज के साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी साइकोलॉजी, आपको पेशेंस बहुत रखना इम्पॉर्टेंट है, आपको एक वेटिंग गेम खेलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट जो है वो आपको अगर एक तरीके से क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है तो आप साइड में बैठे रहिए, वो देगा आपको सिग्नल, डेफिनेटली देगा, तब तक आप में पेशेंस है क्या वो टेस्ट करेगा, अगर नहीं है आप अच्छे ट्रेड्स को भी बिगाड़ दोगे। तो ये जो है हमारे एक मेंटी के साथ यहाँ पे हुआ है, भले उन्होंने बाद में एशियन पेंट्स और आईबुल में काफ़ी अच्छा किया है, सन फार्मा में उन्होंने ये गलती की थी कि थोड़ा जल्दी शॉर्ट करने वो चले गए, उसके वजह से उनको क्या हुआ यहाँ पे एक तरीके से अब लॉस हुआ है। और वही चीज़ वो अवॉइड कर सकते थे, उनको समझ में आया चीज़, बट कभी कभी होता है आपका माइंडसेट आपका जो है कंट्रोल में रखना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेडिंग अगर आपको अच्छे से करना है रादर नॉलेज, ट्राई टू डू सम कार्मिंग एक्सरसाइजेस, जैसे आपको कोई योगा मेडिटेशन या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, ताकि जब आप बैठते हो मार्केट के सामने आप पिछला दिन जो भी हुआ है या वो सब भुला के आप फ्रेश माइंड से बैठोगे। बाद में उन्होंने एशियन पेंट्स और आईबुल में काफ़ी अच्छा एक तरीके से ट्रेड किया है, ये एक पोजिशनल था जो कल पुट्स बाय किया था हमारे एक मेंटी ने, उनको काफ़ी एक ओपनिंग में अच्छा प्रॉफिट हुआ है। एंड अगेन आज कमोडिटी में उन्होंने जो आज ट्रेड किया था क्रूड ऑयल में, तो वहाँ पे भी उन्होंने प्राइजेक्शन के प्रिंसिपल यूज़ करके काफ़ी अच्छा उनको वहाँ पे अर्निंग हुई है। तो आज हम देखेंगे कि क्या इम्पॉर्टेंट था, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आज के दिन मार्केट में इम्पॉर्टेंट था। ओपनिंग कैंडल ये एक तरीके से काफ़ी एक अनटच्ड सब्जेक्ट है, या इसके आप तरीके से देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे मिथ्स और गलत तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। तो आज हम शॉर्ट में देखेंगे ओपनिंग कैंडल का कंसेप्ट क्या होता है। तो आप देखिए मार्केट को ट्रैप करना है या मार्केट को मोमेंटम देना है, फर्स्ट कैंडल जो होती है बहुत ज़्यादा एक ईजी होता है उसके लिए, आइदर ट्रैप करने के लिए या फिर एक मोमेंटम बनाने के लिए। आप देखिए कभी कभी मार्केट नीचे जाता है, जैसे निफ्टी कर रहा था जो डिमांड जोन के नीचे गया एंड सडनली रिवर्स मारा और ओपनिंग कैंडल को ब्रेक के अराउंड करके वहाँ पे सस्टेन होने लग गया, और उसके बाद उसने डे हाई बना क्लोज ब्रेक करके फिर नया हाई बना के वहाँ पे एक तरीके से उसी जोन में फिर वो बंद हो गए। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ हम देखेंगे, सन फार्मा और एशियन पेंट्स भी वैसे ही मूव हुए। अब तो आज इन सभी ने एक अर्ली जो सेलर आता है कि भाई मार्केट गिर रहा है चलो बैठे सेलर, उसने सेल करने की कोशिश की, उनको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ट्रैप किया है। तो कभी भी ओपनिंग कैंडल का हाई और लो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कौन से टाइम फ्रेम का अगर आपको ओपनिंग कैंडल देखना है, तो जनरली जो आप देखिए बहुत सारे लोग जो देखते हैं वो है 15 मिनट्स का। तो कोई इशू नहीं, आप 15 मिनट्स भी देखिए, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसी का देखना है, 15 मिनट्स का भी आप कैंडल देखिए कोई आपको इशू नहीं है।
बट कभी कभी आपको जो ओपनिंग कैंडल है 5 मिनट्स की भी देखनी पड़ती है। जैसे आज 5 मिनट्स की देख पड़ी, बहुत बड़ा एक तरीके से गैप डाउन था, तो उस टाइम पे आप 5 मिनट्स भी देखिए तो भी वो अच्छे से वर्क करेगा। अगर नॉर्मल फ्लैटिश मार्केट है, थोड़ा ट्रेंड थोड़ा वीक है या छोटा है, आप 15 मिनट की कैंडल भी आपको वहाँ पर अच्छे से वर्क करेगी। अब जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है ओपनिंग कैंडल के ऊपर ऑर्डर डालना, कि ओपनिंग कैंडल के हाई के ऊपर बाय ऑर्डर डालो, ओपनिंग कैंडल के नीचे फिर स्टॉप लॉस अपडेट करो लो के नीचे, या फिर लो के नीचे स्टॉप लॉस सेल ऑर्डर डालो और ऊपर आपका एसएल अपडेट कर दो। अब यहाँ पे आपने बहुत चार्ट्स देखे होंगे जहाँ मार्केट ओपनिंग कैंडल का हाई ब्रेक करता है, रिवर्सल होके आपका स्टॉप लॉस ले जाता है। कभी कभी डेफिनेटली आपको बड़े ट्रेंड्स मिलेंगे, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, बट अगर एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट्स में मैक्सिमम आपके स्टॉप लॉस ही हिट होने वाले हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ पे एक तरीके से हर दिन तो ट्रेंड नहीं बनेगा, राइट? आपको 2 दिन मैक्सिमम ट्रेंड मिलेंगे, 3 दिन आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। तो ये एक तरीका होता है मार्केट का, 20% ऑफ टाइम मार्केट सिर्फ ट्रेंड में होता है, राइट? तो आपको जो है एक तरीके से 80% जो वोलेटिलिटी है, ये स्ट्रैटेजी वहाँ काम नहीं करेगी। अब आपको यहाँ पे एक्चुअली क्या करना है, राइट? तो यहाँ पे एक तरीके से हमें एक इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एक ओपनिंग कैंडल का समझ लीजिए ये है, उसका हाई या लो जो ब्रेक हो रहा है वहाँ देखिए प्राइस एक्शन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आज अगर हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर एक तरीके से एशियन पेंट्स ने इनिशियली दे वेयर काइंड ऑफ अ हायर लो स्ट्रक्चर बना रहे थे फॉर अ ब्रीफ टाइम, डेफिनेटली कुछ टाइम के लिए बना रहे थे बट हायर लो बना रहे थे। अगर कोई सेलर होगा, आप ऐसी मार्केट में इसको सेल करोगे और वो ओपनिंग कैंडल के ऊपर के एंड में कंसोलिडेट हो रहा है या उसको ब्रेक करके ओपनिंग कैंडल के ऊपर वो एक तरीके से हायर लो स्ट्रक्चर बना रहा है, तो भैया आप वहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। एक तरीके से इतना बड़ा मूव आया, आप गए, आपका स्टॉप लॉस भी गया, आप अगर आप स्टॉप लॉस नहीं आपने रखा, बड़ा सा लॉस आप करके बैठोगे, राइट? तो जो आज जो किया था गलती सन फार्मा में हमारे एक मेंटी ने, उन्होंने वही किया था, थोड़ा प्री मैच्योर एंट्री ली थी, वो आपको अवॉइड करनी है। बट अभी उतनी उनको इतना एक्सपीरियंस है कि डेफिनेटली वो पैनिक नहीं हुए, बाकी ट्रेड्स में उन्होंने रिकवर काफ़ी अच्छे से कर लिया। नाउ आपको अगर सेल करना है, अगर ये गैप डाउन है बहुत बड़ा, अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस काउंटर ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने दीजिए, ब्रेक होने दीजिए, सेलर को प्रूफ करने दीजिए कि वो है मार्केट में, राइट? अगर सेलर नहीं है मार्केट में, सिर्फ गैप डाउन करके गायब हो गया, आपका कोई काम का नहीं है वो, राइट? प्रूफ करने दीजिए। आज जब हमने सेलिंग की थी सन फार्मा में, जब उन्हें काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, आपको दिखाया था बढ़िया सेलिंग, आपको वहाँ से 4 पॉइंट्स मिले थे। एशियन पेंट्स क्रिटिकल जोन के वहाँ से एक तरीके से डबल टॉप बनाने के बाद जब वो एक तरीके से उसने ब्रेक किया था, वहाँ पे एग्जॉशन भी था, एग्जॉशन का कंसेप्ट हम फ्यूचर में कभी देखेंगे, तो यहाँ पे एक तरीके से वापस आपको एक नीचे ट्रेंड मिला था, राइट? तो यहाँ पे आप सेल कीजिए, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेंड तो डाउन है, गैप डाउन है, और वो उसको रिज्यूम करने के लिए आ रहे हैं, और अभी आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जिट क्लियर है। एग्जिट बिल्कुल क्लियर है कि भैया इससे अगर ब्रेक करके नीचे आ रहा है यहाँ पे, मतलब डे हाई नहीं बनाना चाहिए, उसने डे हाई बना दिया तो भैया वापस वो एक तरीके से मतलब मेरे एनालिसिस की धज्जियाँ उड़ा रहा है, तो आपका एग्जिट क्लियर है। आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्वांटिटी डालिए और आप ट्रेड में वहाँ पे बने रहिए जब तक वो अभी लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाते रहेगा। अगर वो आया लोअर तक आया तो आपके लिए बोनस, इसके जितने नीचे जाएगा आपके लिए डबल बोनस ओपनिंग कैंडल का। तो ओपनिंग कैंडल एक ट्रेंड डिसाइडर और ट्रैप, ये दोनों का काम कर दिया। अब वो ट्रेंड डिसाइडर इस केस में जब गैप डाउन होके ऊपर जा रहा है, वो कौन से इसमें आता है, ट्रेंड डिसाइडर को हम अगर ए बोलेंगे और ट्रैप कैंडल को अगर हम बी बोलेंगे, तो चलिए मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ सोचने के लिए। आज के दिन में मैक्सिमम जो आता है वो आपके बी पैटर्न में ये चीज़ें आती है। आज ओपनिंग कैंडल के बाद ट्रैप बनाया मार्केट ने, क्योंकि ओपनिंग कैंडल बियरिश बना के सीधा ऊपर भाग गया वो, राइट? तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं, ओपनिंग कैंडल हैमर बन रही है, क्या बन रहा है, विक बन रहा है, कभी कभी हैमर बना के भी मार्केट नीचे गिरना चालू हो जाता है, उस पर ज़्यादा जोर मत डालो। ओपनिंग कैंडल में कैसा है, मार्केट स्टार्टिंग में एकदम से इनफ्लो आते हैं ऑर्डर्स के, तो उस चीज़ में कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा रैंडमली या वियर्डली बिहेव करे, राइट? तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि उस वियर्ड बिहेवियर को कि मैं आप फंसे, आप नहीं फंसने चाहिए, उसके बाद क्या कर रहा है वो देखिए। अगर ओपनिंग कैंडल हैमर बन रही है, उसके बाद हायर लो पैटर्न बन रहा है, मतलब फॉलो थ्रू आ रहा है बायर्स के लिए, राइट?
फिर आप देखिए आपका पीडीए जोन वहाँ पे कितना दूर है, आपका क्या है। हम कोई भी एक सिंगल लेवल पे काम नहीं करते, हमेशा जोन्स में मार्केट में काम करते हैं। आप एक सिंगल लेवल काम करोगे, आपका कल्याण वहाँ पे मार्केट में तय है, राइट। जोन्स में हमेशा हम काम करते हैं, तभी इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें और हमारे मेंटीज को। तो अभी जो ट्रेंड वाला है, मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम्पल, मैं आपको कभी आगे होगा तो एग्जाम्पल बताऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ अगर आप है, आप एग्जाम्पल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम का आईडी वहाँ पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और नया फुल फ्लेज्ड प्राइस एक्शन हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10th of March। जो इंटरेस्टेड है वो आप इसमें आ सकते हैं। एंड मुझे पता है बहुत लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं एंड बहुत ज़्यादा एक तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है, लॉसेस में है, जो भी चीज़ है। बट एक चीज़ जस्ट आई वॉन्ट टू टेल देम कि भाई वो आपके पापों, आपने कुछ पिछले जन्म में पाप किया होगा तभी आप गलत लोगों के इसमें आप फंसे हैं। आपको जेन्युइन तरीका, ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, सब चाहिए। आप डेफिनेटली आप यहाँ पे आइए। नहीं पसंद आया आपको ये एक तरीके से, तो वी आर ऑल्सो रेडी, आप यहाँ से पैसा आपका लेके जाइए हमें, क्योंकि हम यहाँ पे वी आर डूइंग दिस टू हेल्प पीपल बिकम अ बेटर ट्रेडर। तो आई गेस आज के कंसेप्ट से आपको समझ में आएगा। आप देखिए आज बहुत सारे बाकी के स्टॉक्स भी कैसे वर्क किए हैं, ICICI बैंक, रिलायंस, बाकी के देखिए स्टॉक्स जो ओपनिंग कैंडल बियरिश बन के नीचे गए उनको भी देखिए आप। RBL बैंक है, आप आपका जो है बायोकॉन वगैरह जो भी चीज़ें, बहुत सारे स्टॉक्स है आपको आज इस कंसेप्ट पे आप देखिए कैसे वर्क किए। तो यही मुझे बताना था आपको। आई गेस आपसे यहाँ से आपको सीखने को मिला होगा। अच्छा, आज का कंसेप्ट यही था। और हमारा मोटो है वन कंसेप्ट अ डे कीप्स लॉसेस अवे। आप बने रहिए हमारे साथ। वीकेंड पे एक अच्छा वीडियो आने वाला है काफ़ी, जो आपको एक वर्किंग लोगों के लिए ऑप्शन में कैसे काम करना है वो आपको हम बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।